आखिर क्यों रियान पराग को टीम इंडिया में मौका मिल रहा है ओडीआई सीरीज और टी20 सीरीज खेलने के लिए श्रीलंका के खिलाफ? इसके पीछे की बहुत बड़ी वजह सामने निकल कर आई है। क्या है वो वजह, चलिए आपको बताते हैं इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज नेशन स्पोर्ट्स में। मैं हूँ आपके साथ श्रद्धा पांडे। टी20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद भारत का जिम्बाब्वे दौरा भी खत्म हो चुका है। टीम इंडिया का अगला अभियान 27 जुलाई से शुरू हो जाएगा, जहां पर 3 T20 और 3 वनडे मैचों की सीरीज खेलनी है भारत को श्रीलंका के खिलाफ। एक हफ्ते से हम लोग ये सोच रहे थे कि कब टीम इंडिया का स्क्वाड आएगा, कौन कप्तान होगा, लेकिन अब फाइनली टीम इंडिया का स्क्वाड आ चुका है ओडीआई वाला और टी20 वाला। सूर्य कुमार यादव को टी20 सीरीज का कप्तान बनाया गया है और सूर्या ही वर्ल्ड कप 2026 तक भारत की कमान संभाल सकते हैं। सूर्य कुमार यादव ही कप्तानी करेंगे। साथ साथ ओडीआईज की बात करें तो ओडीआईज में आपका शुभमन गिल वाइस कैप्टन होंगे और ओडीआईज में आपका रोहित शर्मा कैप्टन होंगे। यानी रोहित शर्मा, विराट कोहली जैसे सीनियर खिलाड़ियों की भी वापसी हो चुकी है। लेकिन एक ऐसा नाम है जो दोनों ही स्क्वाड में कॉमन है, वो है रियान पराग। रियान पराग का नाम टी20 सीरीज में भी है, ओडीआई सीरीज में भी है। अब लोग ये बोल रहे हैं कि इनका नाम क्यों आया है, इनको इनसे पहले अभिषेक शर्मा को तरजीह मिलनी चाहिए थी, ऋतुराज गायकवाड़ को तरजीह मिलनी चाहिए थी। बट आपको बता दें कि जो बड़ी वजह है जिस वजह से रियान पराग को दोनों स्क्वाड में शामिल किया गया है, वो ये है कि हमने श्रीलंका के खिलाफ मैचेस खेलने हैं श्रीलंका में, जहाँ पे पल्ले केले में मैचेस खेलने जाएंगे, जहाँ पे कोलंबो में मैचेस खेले जाएंगे। और पल्ले केले और कोलंबो की जो पिचेस हैं वो आप सभी को पता है कि बहुत ज़्यादा स्लो पिचेस है। यहाँ पर आपको स्पिनर एक चाहिए एक्स्ट्रा, तो इसीलिए रियान पराग आपको मिडल ओवर्स में स्पिन का काम भी करके दे सकते हैं। यानी बल्लेबाजी तो कर सकते हैं, फिनिश वो कर सकते हैं पारी को, साथ साथ मिडल ओवर्स में आपको एक स्पिनर का काम करके भी दे सकते हैं। तो रियान पराग को टीम में शामिल करने का एक ये बहुत बड़ा रीज़न था, ए वो पारी को फिनिश कर सकते हैं, बी वो मिडल ओवर्स में स्पिन से भी कमाल कर सकते हैं। आप जानते हैं जिम्बाब्वे के खिलाफ एक दो मैचेस ही मिले थे खाली रियान पराग को, और उन एक दो मैचेस में वो उस पारी को भुना नहीं पाए। लेकिन उनका जो IPL 2024 में प्रदर्शन रहा था वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन था। लगभग 150 की स्ट्राइक रेट से उन्होंने रन बनाए थे। रियान पराग को बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी मिल रहा है लोगों का, क्योंकि लोग आते हैं कि इनकी बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग हुई है, ट्रोलिंग का शिकार हुए हैं, लेकिन जिस तरीके से निकल कर ये उभर कर आए हैं वो बेहतरीन है। तो रियान पराग से उम्मीदें बहुत ज़्यादा है, गेंद से भी कमाल करते हुए आपको नजर आएंगे होपफुली, और बल्ले से तो कमाल करेंगे। अब आप कमेंट्स करके बताइए रियान पराग से आपको कितनी ज़्यादा उम्मीदें हैं, क्या लग रहा है रियान पराग बल्ले से कितना कॉन्ट्रीब्यूट कर पाएंगे और गेंदबाजी में कितने विकेट जो है चटका पाएंगे। कमेंट्स करके अपनी राय जरूर दीजिए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।